नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया हुआ है रेडमी का 5A मॉडल। फ्रेंड्स, इसमें MI अकाउंट लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का। तो इसको जो है आज हम MI अकाउंट रिमूव करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स, UMT की मदद से। वाओ, तो ये देख सकते हैं मेरा UMT प्रो डोंगल ये रहा और मेरा फ़ोन ये रहा। और सबसे पहले इसको जो है MI अकाउंट रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स, इसका बैक पैनल आपको उतारना पड़ेगा। और बैक पैनल उतारने के बाद इस तरीका से आपका जो है, आप अपना बैक पैनल निकाल लीजिएगा। क्या बोला तूने? यहाँ पे आपको पहले ideal point हम आपको दिखा देते हैं। कैमरा नजदीक लाइए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देख सकते हैं ये दो पॉइंट जो है ये ideal point होता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये पॉइंट को शॉर्ट करके हम USB को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इस UMT प्रो डोंगल को हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लेते हैं इस तरीका से। ये मेरा इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे जो है डिवाइस मैनेजर पहले से ही मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो है इस फ़ोन का पोर्ट बनेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद अल्टीमेट मल्टी टूल को हम सिंपल सा ओपन करेंगे इस तरीका से। यहाँ यस करेंगे, थोड़ा देर हम इंतज़ार करेंगे। UMT प्रो डोंगल जो है अभी प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा UMT प्रो डोंगल ये खुल चुका है। तो आपको MI अकाउंट रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे Redmi स्पेशल है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसेट MI अकाउंट न्यू, इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा। इस तरीका से क्लिक करने के बाद आपको जो है थोड़ा देर इंतज़ार करना है। और यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का इंटरफेस इसमें आ चुका है। अब चलिए मोबाइल में आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो होगा वहाँ जो है इस टाइप का केबल, ये केबल आप कनेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद फ़ोन यहाँ देख सकते हैं मेरे पास Redmi 5A का फ़ोन है। तो इसका हम सबसे पहले बैटरी रिमूव कर देते हैं इस तरीका से। बैटरी रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम नीचे रखते हैं और उसके बाद आप लोग को जो बताए थे ideal point ये दोनों वाला, इस दोनों को हम इस चिमटी की मदद से शॉर्ट करेंगे इस तरीका से, देख सकते हैं। और शॉर्ट करने के बाद इसको यहाँ से डाटा केबल को कनेक्ट करेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे इस तरीका से शॉर्ट कर दिए और यहाँ मेरा डाटा केबल अभी लगाएंगे, देखिए इस तरीका से। और यहाँ देखिए कंप्यूटर कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरा पोर्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, देखिए मेरा पोर्ट भी बना लिया है और यहाँ मेरा प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा देर वेट करेंगे और प्रोसेस को होने देंगे, उसके बाद जो है मेरा MI अकाउंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा सक्सेसफुल। तो अभी आप लोग को कुछ करना नहीं है, सिंपल सा छोड़ देना है। जो छुआ चाहे छोड़ दे तो हार मरे जी, प्रोसेस हो रहा है उसको प्रोसेस को होने देना है। आप थोड़ा देर वेट कीजिए, देखिए ये प्रोसेस होने के बाद जो है मेरा MI अकाउंट रिमूव हो जाएगा। और आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करें फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि इसी तरह का देसी टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए मैं हमेशा लाता रहूँ। तो देख सकते हैं अभी भी मेरा प्रोसेस चल रहा है, तो अभी भी हम इंतज़ार करेंगे। अभी आपको कोई भी डाटा केबल या फ़ोन को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तकरीबन 2-3 मिनट 4 मिनट आपको इसमें समय लग सकता है। और यहाँ नज़दीक लाइए, वाइपिंग डाटा डन, ऑपरेशन फिनिश्ड, क्यूसीफायर 9.2 हो गया, यानी कि जो है मेरा MI अकाउंट रिमूव हो गया। फिलहाल के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। धन्यवाद, वंस अगेन जय हिंद।